हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडिश लीग के मैच जगार्डन्स IF वर्सेस मालमो FF की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, लीग टेबल स्टैंडिंग्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। पर फ्रेंड्स, फुटबॉल की दुनिया में होने वाला ये इकलौता मैच नहीं है। इसके अलावा अगर आप बाकी सारे मैचेस के भी प्रीव्यूज एंड बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन पाना चाहते हैं तो गो चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट। अगर बात करें जगार्डन्स IF की, तो इन्होंने अपना पिछला मैच स्वीडिश लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने 2-1 जीता था वर्सेस IF के वर्नामो। जगार्डन के लिए गोल स्कोरर से रास्मस श्कलर एंड ओलिवर बर्ग, जिन्होंने एक पेनल्टी स्कोर की थी। वहीं पर अगर मालमो FF की बात करें तो मालमो ने भी अपना पिछला मैच स्वीडिश लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने 2-1 हारा था वर्सेज मालबी AIF। मालमो के लिए एकमात्र गोल स्कोर किया था सेबास्टियन नानासी ने। वहीं पर अगर हम स्वीडिश लीग टेबल की बात करें, जिसको हम ऑल स्वेंसकन भी बोलते हैं, उसमें जगार्डन्स IF इस समय है फोर्थ पोजीशन पर। इनके हैं 27 पॉइंट्स, इन्होंने खेले हैं 15 मैचेस, जिसमें इन्होंने स्कोर किए हैं 23 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 18 गोल्स। वहीं पर अगर हम मालमो की बात करें तो मालमो इस समय है थर्ड पोजीशन पर। इनके हैं 34 पॉइंट्स, इन्होंने खेले हैं 14 मैचेस, जिसमें इन्होंने स्कोर किए हैं 35 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 12 गोल्स। फ्रेंड्स, अगर आप ऑन पेपर्स देखें तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीम्स में। लीग पोजीशन भी सिर्फ एक थर्ड एंड फोर्थ है। उसके अलावा जो मेन डिफरेंस आपको देखेगा, वो देखेगा गोल स्कोरिंग में, जहां पे मालमो ने 35 गोल स्कोर किए हैं, वहीं जगार्डन्स ने सिर्फ 23 गोल स्कोर किए हैं। सो डेफिनेटली मालमो को एक अपर एज यहाँ पर रहेगा। बट इसके अलावा कुछ स्टैट्स हैं जो ये दिखाता है कि जगार्डन्स जो है वो एक बहुत ही टफ ओपोनेंट होने वाले हैं मालमो के लिए। अगर हम इन दोनों की हिस्ट्री की बात करें तो दोनों ही टीम्स 51 बार आपस में भिड़ चुकी हैं, जहां पर जगार्डन जो है वो 23 बारी उन 51 में से जीते हैं, वहीं पर मालमो जो है वो 21 टाइम्स जीते हैं। तो ज्यादा देखें तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 7 मैचेस जो हैं ड्रॉ हुए हैं दोनों टीम्स के बीच में। तो हिस्ट्री वाइज डेफिनेटली जगार्डन्स IF को थोड़ी सी एज है ओवर मालमो, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर जगार्डन्स की बात करें तो वो एक सॉलिड स्ट्रीक पे चल रहे हैं फ्रेंड्स। वो एक अनबीटन है अपने लास्ट 7 लीग गेम्स में। जी हाँ, वो कॉन्टिन्यूस जीतते हुए आ रहे हैं, जो कि उनका मोटिवेशन बहुत हाई रखेगा। और ये रीज़न है कि उनकी बहुत स्लो स्टार्ट के बावजूद वो इसी स्ट्रीक की वजह से अब फोर्थ पोजिशन पर आ चुके हैं अल्सवेंस्कन टेबल में। या और अगर आप देखे जाएं तो उन्होंने एकदम से जो कॉर्नर है उसको काफ़ी टर्न करा है कि लास्ट 7 मैचेस में उन्होंने 5 मैच जीते हैं, 2 ड्रॉ करा है। ये दिखाता है कि वो कितनी एक रेजिलिएंट टीम है, जो कि फाइटिंग स्पिरिट है उनके पास। शायद स्लो स्टार्ट करने के बावजूद भी उन्होंने गिव अप नहीं करा और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रेगुलर बेसिस पर दिखाते रहे। इसके साथ जगार्डन्स के पास एक और एडवांटेज है, उनका बेस्ट होम रिकॉर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस डिवीजन में 7 मैच उन्होंने खेले हैं। लास्ट 8 मैचों में से 7 मैचेस उन्होंने अपने होम पे जीते हैं, 1 मैच ड्रॉ किया है, जो कि इनका होम स्टेडियम है टेली2 अरेना, जहां पे ये मैच भी होने वाला है, वहां पर ये उनका फोर्ट्रेस है। जगार्डन्स IF ने लास्ट 8 मैचों से वहां पे कोई मैच नहीं हारा है, और ये की सब्सटैंशियल एडवांटेज दे सकता है उनको अगेंस्ट मालमो। अगर हम मालमो की बात करें तो उनके रीसेंट थोड़े से स्ट्रगल है फ्रेंड्स, बट उन स्ट्रगल्स के बावजूद वो एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है जगार्डन्स के लिए। मालमो को हराना कोई आसान बात नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। डजेंट मैटर अगर वो थोड़ा सा भी स्ट्रगल कर भी रहे हैं, उसके अलावा मालमो इज़ अ वेरी सॉलिड टीम, एंड यही रीज़न है कि वो लीग में इस समय थर्ड पोजीशन पर है, सिर्फ 1 पॉइंट बिहाइंड द लीडर्स हैकन। वहीं पर अगर हम मालमो की स्टार्टिंग की बात करें तो उनका सीज़न बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था, एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग उन्होंने सीज़न स्टार्ट किया था, जहां पर 8 स्ट्रेट विंस, उन्होंने 8 के 8 मैच कंटिन्यूस जीते थे। तो ये उनकी एबिलिटी भी दिखाता है कि उन्होंने अच्छा टाइम भी देखा है, रिसेंटली उन्होंने थोड़ा स्ट्रगल भी किया है, बट मालमो जैसी टीम को आता है बाउंस बैक करना फ्रेंड्स। ये रीज़न है कि आप किसी भी दिन मालमो को बैकआउट नहीं कर सकते हैं मैच से। बट उनके लिए चिंता का विषय यहाँ पर हो सकता है उनका डिफेंस, क्योंकि जो विजिटर्स हैं मालमो वो यहाँ पर आ रहे हैं लास्ट 3 मैचों में विदाउट एनी क्लीन शीट के। जी हाँ फ्रेंड्स, 3 मैचों में इन्होंने गोल कंसीड किया है, और जगार्डन जैसी टीम जिनकी 7 मैचों की विनिंग स्ट्रीक चल रही है, डेफिनेटली इस पॉइंट को ध्यान में रख रहे होंगे, वो भी शायद इसी पॉइंट को बनाने की कोशिश यहां पर करेंगे। अगर इन दोनों टीम्स की बात करें फ्रेंड्स, तो जगार्डन जो है वो एक बहुत ही डिफिकल्ट ओपोनेंट रहा है मालमो के लिए। जो इनके लास्ट मैच 7 मैचेस हुए हैं अगेंस्ट जगार्डन्स, उनमें से 5 मैचेस जो है इन्होंने हारे हैं, सिर्फ 1 मैच जीते हैं। तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा जगार्डन्स एक एज रखती है ओवर मालमो। हालांकि ये हिस्टोरिकल जो डोमिनेंस है, ये एक बैलेंस आउट ही है, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी जगार्डन्स के फेवर में, बट मालमो इज स्टिल मालमो, जो कि एक बहुत ही सॉलिड टीम है। बट अगर रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो डेफिनेटली जगार्डन्स को एक थोड़ा सा अपर एज यहां पर रहेगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली एक ये जो गेम है, ये अपकमिंग जो गेम है, ये क्रिटिकल होने वाला है दोनों ही
ही टीम्स के लिए, क्योंकि ये एक जो अल्सवेंस्कन टाइटल की रेस है उसमें डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने वाला है। जगार्डन जो है वो कोशिश करेंगे अपने इंप्रेसिव रन को कंटिन्यू रखने की, वहीं पे मालमो जो है वो कोशिश करेंगे कि वो जो उनकी अर्ली सीजन फॉर्म थी उसको रीडिस्कवर कर सकें और हैकन को यहाँ पर कॉम्पिटिशन दे सके। तो फ्रेंड्स हमारे अकॉर्डिंग ये मैच एक 1-1 ड्रॉ रह सकता है या फिर एक 2-1 विन रह सकता है। मालमो हम थोड़ा सा मालमो को एज देंगे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर टीम, जो उनकी पूरी टीम है, जो कंबाइंड यूनिट है वो डेफिनेटली एक अच्छी यूनिट है। थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं बट डेफिनेटली दे नो हाउ टू बाउंस बैक एंड विन दीज काइंड ऑफ मैचेस। तो अब हम चलते हैं हमारी प्रोबेबल लाइनअप की तरफ। अगर बात करें जगार्डन्स IF की तो हमारे अकॉर्डिंग एक 4-3-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं। इनके गोलकीपर हो सकते हैं जेटरस्ट्रॉम, फोर मैन डिफेंस में हो सकते हैं जॉनसन, लॉफ्ग्रिन, डेनियलसन एंड एंडरसन। फ्रेंड्स डेनियलसन इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफेंडर है, ये वो प्लेयर है जो डिफेंस के साथ साथ आपको ऑफेंसिव पॉइंट्स से भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ये गोल्स एंड असिस्ट से फ्रेंड्स रेगुलर बेसिस पर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, इवन 5 से 6 गोल्स एंड असिस्ट से ये ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। ये डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए। ये एक हेडर ऑफ द बॉल, बहुत ही डेंजरस हेडर ऑफ द बॉल है जो कि डिफेंस में एकदम से लीप लेते हैं बहुत लंबी और बहुत ही अच्छे हेडर्स यहाँ पर लेते हैं। अगर मिडफील्ड की बात करें तो वहां पर हो सकते हैं सेबोविच, फेलिनियस एंड शकलर। फ्रेश कलर एक बहुत ही फैंटास्टिक फॉर्म में चल रहे हैं, इनके एक प्रॉपर मिडफील्डर है, एक यू आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रिंग पुलर है मिडफील्ड से, जो कि आपको गोल, असिस्ट, चांस क्रिएशन, शॉट्स ऑन टारगेट हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये वैसे भी काफी मोटिवेटेड होंगे क्योंकि इन्होंने पिछले मैच में गोल भी स्कोर किया था। बहुत ही अटैक माइंडेड प्लेयर है डेफिनेटली। अगर जगार्डन्स को आप कहीं से भी बैक कर रहे हैं गोल स्कोरिंग के लिए तो बहुत प्रॉबिलिटी है कि वो इनकी साइड से आएगा। आप इनको एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी डेफिनेटली यहाँ पर ले सकते हैं। अगर हम बात करें अटैक की तो वहां पर हो सकते हैं असोरो, बर्ग, रेडिटनाक। फ्रेंड्स रेडिटनाक जो है वो एक डिसेंट प्लेयर है जिन्होंने बहुत ज्यादा गोल्स या असिस्ट नहीं दिए हैं, बहुत रेगुलर बेसिस पर ही गोल्स स्कोर नहीं करते हैं, बट इनका टीम कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये आपको चांस क्रिएट करते हुए मिल जाएंगे, आपको टैकल से पॉइंट देते हुए मिल जाएंगे, आपको असिस्ट से पॉइंट देते हुए मिल जाएंगे। बट मालमो जैसी टीम जो कि एक स्ट्रांग ओपोनेंट है किसी भी दिन जगार्डन जैसी टीम के आगे, उनके लिए डेफिनेटली ये देखना होगा कि जो रेडिटनाक है वो कितने पॉइंट्स आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि ये 70 to 75 मिनट्स के बाद ही सब्सटीट्यूट हो जाएंगे, तो शायद हम इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। अगर बात करें इनके अटैकर की तो वहां पर आते हैं बर्ग, जो कि रेगुलर बेसिस पर फ्रेंड्स गोल स्कोर करते आते हैं। इन्होंने पिछले मैच में भी पेनल्टी स्कोर की थी और जगार्डन्स के लिए डेफिनेटली ये बिल्कुल क्लियर है कि ये पेनल्टीज पर भी होंगे, तो ये डेफिनेटली आपकी टीम में होने चाहिए, इवन एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी आपके लिए बन सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इनके राइट स्ट्राइकर की तो वहां हो सकते हैं असोरो, एक फैंटास्टिक प्लेयर है जो रेगुलर बेसिस पर गोल्स और असिस्ट से कंट्रीब्यूट करते आते हैं। रिसेंटली इन्होंने शायद गोल या असिस्ट इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बट उसके अलावा ये बहुत ही अटैक माइंडेड प्लेयर है, चांस क्रिएट करते हैं, बहुत अच्छी रन बनाते हैं, शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं। अगर रेडिटनाक और असोरो में से आपको किसी एक को पिक करना हो तो डेफिनेटली विल गो विद असोरो। अगर हम बात करें मालमो की तो मालमो हमारे अकॉर्डिंग एक 3-4-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं डैलन, थ्री मैन डिफेंस में हो सकते हैं मॉइजेंडर, ऑल्सन एंड बुसनेलो। फ्रेंड्स बुसनेलो एक इनके काफी इंपॉर्टेंट डिफेंडर हैं जो कि जस्ट लाइक डेनियलसन ये भी आपको गोल और असिस्ट से काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हुए मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि मालमो एक क्लीन शीट रख सकती है तो आप इनको एक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी डेफिनेटली बड़े आराम से यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ मॉइजेंडर एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर मालमो के लिए। फ्रेंड्स इनके जो दोनों डिफेंडर्स हैं ये आपको डिफेंस से अटैक की तरफ कंट्रीब्यूट करते हुए मिलेंगे। ये एक रन बनाते हैं, ये कई बार चांस क्रिएट करते हैं जिसका फायदा इनके मिडफील्डर्स और अटैकर्स उठाते हैं। यही मालमो की स्ट्रेंथ है और इसी जगह पे शायद वो जगार्डन्स को थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं क्योंकि उनकी मिडफील्ड में उतने ज्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं है। एक शलर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं बट मालमो के पास काफी अच्छा डिफेंस और ऑफेंस भी है। वहीं पर अगर मिडफील्ड की बात करें तो वहां पर हो सकते हैं सीसे, लेवेकी, पेनिया एंड अली। फ्रेंड्स सर्जियो पेनिया जो है वो इनके काफी इंपॉर्टेंट मिडफील्डर है, ये आपको टैकल्स, इंटरसेप्शन, इवन असिस्ट, शॉट्स ऑन टारगेट से पॉइंट दे सकते हैं। वैसे तो ये मोर लाइक अ डिफेंसिव मिडफील्डर है जो कि आपको डिफेंस को शील्ड करते हुए मिल जाएंगे, बट ये बहुत ही अटैक माइंडेड प्लेयर है। फ्रेंड्स ये आपको कई आपकी जो ओपोनेंट टीम्स होंगी उनमें वाइस कैप्टन ऑप्शन भी मिल सकता है, डेफिनेटली मस्ट पिक है आपकी टीम के लिए। वहीं पर अगर ऑफेंस की बात करें तो वहां पर आते हैं मालमो की सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नानासी, थेलिन एंड जॉर्जेंसन। फ्रेंड्स थेलिन इनके मेन स्ट्राइकर हैं, डेफिनेटली आपके कैप्टन ऑप्शन हो सकते हैं, रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते आ रहे हैं, ये फर्स्ट पेनल्टी टेकर होंगे टीम के लिए। वहीं पर इनके साथ होंगे नानासी, एक और डिफरेंशियल पिक जो कि रेगुलर बेसिस पर गोल्स और असिस्ट से कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं, ये आपके लिए सेकंड पेनल्टी टेकर यहां पर होंगे। अब आपके लिए डिलेमा यहां पर ये हो सकता है कि आप कैप्टन थेलिन को करें या नानासी को करें, क्योंकि थेलिन जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट आपको या तो गोल या असिस्ट से ही देंगे, बट नानासी जो है वो थोड़ा पीछे भी जाते हैं।
वो कई बार एक मिडफील्डर की तरह भी खेल रहे होते हैं, तो वो आपको टैकल, उसके अलावा पासिंग, शॉट्स ऑन टारगेट, चांस क्रिएशन से भी काफ़ी अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। एंड ऑफ द डे आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको एज अ कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन ऑप्शन लेना चाहते हैं। इनके साथ साथ जॉर्जेंसन एक डिसेंट प्लेयर हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पर गोल एंड असिस्ट देते हैं, हालांकि अभी इन्होंने रिसेंटली बहुत ज़्यादा गोल्स या असिस्ट स्कोर नहीं किए हैं, तो आप इनको अपनी टीम से ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग अगेन ये मैच एक 1-1 ड्रॉ या फिर एक 2-1 नैरो विन हो सकता है माल्मो के लिए, क्योंकि माल्मो एक स्ट्रॉन्ग टीम है। डजंट मैटर जगार्डन्स का शायद अभी जो रिकॉर्ड है काफी अच्छा चल रहा है, नो डाउट जगार्डन्स एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बट व्हेन इट कम्स टू माल्मो, वी थिंक कि माल्मो यहां पर जगार्डन्स को एक यहां पर डिफीट दे सकती है। अब हम चलते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ। तो हमारे गोलकीपर होंगे जेडरसन, डिफेंस में होंगे मॉइजेंडर, ऑल्सन, डेनियलसन एंड बुसानेलो, मिडफील्ड में होंगे पेनिया, शकालर एंड नानासी, अटैक में होंगे असोरो, थेलिन एंड बर्ग। कैप्टन हमने थेलिन को किया है, वाइस कैप्टन हमने नानासी को किया है। आप चाहे तो इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, आप चाहे तो वाइस कैप्टन ऑलिवर बर्ग को भी कर सकते हैं, जो कि पेनल्टीज पर भी होंगे। एंड ऑफ द डे आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेयर के साथ जाना चाहते हैं। आप चाहे तो बुसानेलो को भी वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन कर सकते हैं, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है फ्रेंड्स, बट वाई नॉट, यू कैन गिव इट अ ट्राई इन अ ग्रैंड लीग, अगर आप चाहे तो इसमें ये चेंजेस कर सकते हैं। सो एंड ऑफ द डे आप पर डिपेंड करता है कि आप किस प्लेयर को, किस टीम को और किस पर्टिकुलर स्कोर लाइन को बैक कर रहे हैं, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग में चेंजेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा प्रीव्यू स्विडिश लीग के मैच जगार्डन्स आईएफ वर्सेस माल्मो एफएफ का। होपफुली आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी, आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट्स चैनल। थैंक यू।